ज्ञान व्यापी के दो मामलों पर आज सुनवाई होनी है। पहला मामला परिसर में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग को लेकर है। हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई। मुस्लिम पक्ष ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिन्हा, साथ ही साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष ज्ञान व्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहते हुए आदेश पारित किया है। अहमदी ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील लंबित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मई को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञान व्यापी मस्जिद में मिली उस संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया है, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था। वहीं दूसरा मामला ज्ञान व्यापी के 7 मामलों की सुनवाई के एक साथ करने को लेकर है, जिस पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञान व्यापी प्रकरण से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के मुद्दे पर 12 मई को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील पेश की। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 मई तक तय की। ज्ञान व्यापी से जुड़े श्रृंगार गौरीवाद की महिला वादिनियों लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर 7 मामलों की सुनवाई एक साथ की एक ही अदालत में करने की मांग की थी।